हेलो फ्रेंड्स, खमंग अनीसा, गुड मॉर्निंग। मेरे आज के न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। वैसे मॉर्निंग नहीं हो रही अभी, शाम होने वाली है भाई। तो ये हमारा ऋषभ, मेरी डायरी, और किशा कहाँ है? किशा को दिखाओ डायरी, किशा के अंदर है। ये देखिए किशा हमारा, और किशा क्या, ये यूनिकॉर्न वाला लड़का। तो शाम के 4 बज गए और मम्मी लो इसको पकड़ना, आप चाय बना रही। ये मेरी दयावान सास जो चाय बनाती है, इनके ऊपर आपको दया आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और इतने सारे बर्तन रख रखे हैं अपनी बहू के लिए, इसको ऐसे करके रखा कर, मम्मी ऐसे बोल रही है, बहुत गंदी लग रही हूँ मैं, छोड़ो। बहुत गंदी, वैसे भी मैं नहाई हुई नहीं हूँ, आपको फेस से लग ही रहा होगा। और मम्मी ये देखो, मम्मी नहा लिया सुबह जल्दी, मम्मी भी नहीं नहाई, और 4 बज गए देख लो शाम के, और किशु भी नहीं नहाई, ऋषभ भी नहीं नहाया। पूल में नहा के आए थे, पूल में नहाने का बोल रहे मम्मी, पर बहुत ही गंदी हालत हो रही है। आप चाय बना के नहाएंगे 5 बजे तक, यहाँ बैठो आप सब। मम्मी चुप चुप खाती थी। ये देखो मम्मी बच्चों को ऐसी आदत डाल दी है, ऐसे दादी सा होते हैं, सबके घर में होते होंगे। जो ऋषभ को तो इन्होंने बहुत ही अच्छी, ऋषभ ने तो बहुत तगड़ो बिगाड़ दियो। अब एक टारगेट और बचे मम्मी को, किच्चू। तो मम्मी डॉक्टर के पास जाती है ना, तो ना डॉक्टर साहब भी ऐसे बोलते हैं कि आपकी जैसी दादी दादा होते हैं ना घर पे, तो क्या होता है, क्या बोल रहा था आपको? तो ऋषभ आपको बिगाड़ने का काम किसका है? माँ का टारगेट, माँ ने टारगेट पूरा किया है। माँ ने क्या करा है? ये सारा सीखेगा क्या करके? तो ऋषभ को अभी होमवर्क भी करना है। ये देखिए छोटा परिवार सुखी परिवार। मम्मी थे आंकी मम्मी सी लागो, थे इतना जवान लाग रहे हो सच में। थारी कसम इतना जोर का जवान लागो थे। ऋषभ आपकी है ना, मम्मी कौन है बताओ? माँ मम्मी लाइट जला रही है। थोड़ा और जवान दिख पता नहीं। ऋषभ अब आपको होमवर्क भी करना, चलो ना। क्यों? ये देखो ऐसा बच्चा ही, अब मम्मी का गागराम गुर्जर सी। चलो आप चाय देखते हैं। चलो आप बच्चों को लेके जाओ, इसमें दूध ही डालना। ठीक है, लेके जाओ इन दोनों को। पापा का दिखने लगे, अच्छा। तो ठीक है किशा भाई, मैं चाय लेके आती हूँ, किशु के लिए भी चाय दूध लेके। लो मम्मी चाय रेडी हो चुकी है आपकी। अभी भी तो गया थोड़ी देर पहले, एक घंटा पहले से। किच्छा चाय पीना आपको? भुजिया खाएगी किशु। किच्छा भुजिया खाएगी? अच्छे मम्मी के पास फोन। तो पापा आज घूमबा चलेंगे? आज पापा ने दारू छोड़नी पड़ सी, क्योंकि शाम का मैं खाना पर 12 जा रहा। एक दो पैक लिया करे, पर आप वो पैक या तो पैक ली जगो या फिर खानो खाई जगो। तो पढ़ाई करा रही है इसकी मम्मी बीएड करी हुई है, बच्चे पढ़ाती है अपना, नहीं बच्चा पढ़ाती है खाली, और किसी का बच्चा तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है इसकी। आगे ये अच्छा, ये क्या है, ये क्या है, ये एस्पोसन, तो अच्छा ही नहीं बना। ये किसका नाम है एस्पोसन? पापा। और आर? मेरा। और पी? आपका। और के? किचू।
यस। तो अब ये बताओ ए ए किसका है? काकू। और ठीक है, और एम सुनीता। तो फाइनली मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई हूँ। मैं भी। ऋषि अपने पापा को टॉवल दे के आओ। ये रहा टॉवल मेरा। जाओ टॉवल दे के आओ। टॉवल। तो ऋषि के पापा अभी नहा रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, पापा भी रेडी हो चुके हैं, और हम जा रहे हैं आज मानसरोवर जयपुर। ये रहा मेरा टॉवल। चौक पार्टी। और ये मेरी डायरी। हम जा रहे हैं जयपुर। ये मेरा टॉवल। ऋषि आपको मैंने बोला था ना टॉवल दे के आओ पापा को। ठीक है, मैं एक भी टॉल देके आती हूँ। आप दीदी आप बातें करो। तो फ्रेंड्स, तभी हम जा रहे हैं जयपुर चौपाटी। हाँ, मेरे को वादे गया मैंने। आपने मेरा टोकन जैसा टॉय देखा? नहीं ना? ये देखो गोटी, गोटी है ये गोटी। तो मैं फाइनली टॉल देके आ चुकी हूँ। ऋषु ने आपको मुझे पता है बोर बहुत किया है ना ऋषभ? चलो अब मैं कहाँ थी उस टाइम? हाँ, हम जा रहे हैं मानसरोवर जयपुर चौपाटी। तो वहाँ आप सच में बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने बहुत सारे यूट्यूबर को देखा था और बहुत ही शानदार जगह है। तो आज मैं भी जाके ट्राई करने वाली हूँ जयपुर चौपाटी। आप फिर आपको मैं आके बताऊंगी कि कैसा है, आपको भी जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं जयपुर चौपाटी। जयपुर चौपाटी। तो अब मिलते हैं हम जयपुर चौपाटी में, मैं और ऋषभ। जयपुर चौपाटी जा रहे हैं, मूवी देखने नहीं जा रहे अपन। किशू, किशू के लिए मैंने टॉय भी ले लिए। किचा, ऊपर। किशू आगे तो आपको कोई नहीं बैठने देगा, दादू आएंगे। किशू उधर चलो। आगे तो नहीं बैठने देंगे आपको, पीछे बैठना। किशा, किशा को बैठने देंगे। तो ऋषभ के पापा भी आ गए। तो ऋषभ क्या कुछ बोलना चाहोगे आप? नहीं कुछ तो बोलो। आप क्या खाने वाले हो आज, ये बता दो। डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। और डेयरी मिल्क ही खाता है यार, क्या है? चिकलेट पीस। चिकलेट पीस, ये चिकलेट पीस बोलता है लेग पीस को, है ना ऋषभ? आप क्या खाना चाहते हैं पापा? और किच्छा क्या खाना चाहती है? किशु लेग पीस। लेग पीस, लेग पीस खाना चाहती किशु। खाई कैसे? खाई करेगी ऐसे 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 खाएगी, ऐसे ऐसे खाएगी। राजा पहुंचने के बाद में मिलते हैं आप सबसे। हम पहुंचने वाले हैं। ये किशु राठौड़ है। किशु राठौड़ खड़ा हो गया। जयपुर चौपाटी पहुंच गए हैं और मम्मी पीछे आ ही रहे हैं आपके सामने, और ऋषभ और ऋषभ के पापा और किशु वो आगे चल रहे हैं, और पापा अभी गाड़ी में हैं, थोड़ी देर के बाद में आएंगे। एलईडी लाइट में देख रहे हैं आप, थोड़ा ब्लर आ रहा होगा। चलो, ऋषभ और ऋषभ के पापा आगे पहुंच गए हैं और मम्मी और मैं अभी पीछे हैं। ना। तो
किशु को तो बैलून मिल चुके हैं। इसके आगे हमने अंदर जाके क्या क्या मस्ती की, क्या क्या हुआ था वहाँ पे, तो ये है ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और ज़्यादा बड़ा व्लॉग है ना, ऐसे कोई देखता नहीं है, मतलब इरिटेट हो जाता है, तो इसके कारण मैं आपको सेकेंड व्लॉग दूंगी जो नेक्स्ट डे आएगा 4 बजे। तो प्लीज़ आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, मिलते हैं कल के व्लॉग में, 4 बजे फिक्स मेरा सेकेंड व्लॉग आ जाएगा, इसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना।